हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। सो अब की बार इस वक्त हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड का आपको हम समरी लिखवा देते हैं। आप लिख लीजिए डेविड कॉपरफील्ड की समरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समरी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, समरी किसकी समरी? डेविड कॉपरफील्ड की ये जो डेविड कॉपरफील्ड है, इसकी आप समरी लिख लीजिए। मैं देखिए, अगर यहाँ आपको नहीं दिखता है तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ, उसको आप लिखते चलिए। चलिए मैं बोल रहा हूँ, डेविड कॉपरफील्ड इज एन इंटरेस्टिंग, आप लिखिए डेविड कॉपरफील्ड is an interesting autobiographical PHICL autobiographical novel, okay? इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस ओके द प्रोटागोनिस्ट मीन्स हीरो इज द प्रोटागोनिस्ट इन द मेन रोल में जो अहम भूमिका में है इज डेविड कॉपरफील्ड क्लियर ओके डेविड कॉपरफील्ड ही वॉज आपको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, स्पेलिंग आप देखते चलिए। ही वॉज बोर्न BORN बोर्न पोस्ट ह्यूमसली मीन्स मरने के बाद, ही वॉज बोर्न पोस्ट ह्यूमसली सिक्स मंथ्स लेटर और यू कैन से आफ्टर, लेटर से बेसिक अच्छा आफ्टर है, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही वॉज ब्रॉट अप कौन डेविड कॉपरफील्ड ब्रॉट अप बाय हिज मदर MOTHER मदर एंड फेथफुल नर्स NURSE फेथफुल नर्स पेगोटी ओके पेगोटी ओके फेथफुल नर्स पेगोटी एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर एंड फेथफुल नर्स पेगोटी। अगर यहाँ एक चीज़ अगर हम मदर का नाम यहाँ दे दें, क्लारा कॉपरफील्ड लिख लीजिए आप, यहाँ देना है इस जगह
इस जगह पे एंड से पहले है ना, ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज मदर क्लारा कॉपरफील्ड एंड फेथफुल फेथफुल नर्स, ये एन है, फेथफुल नर्स पेगोटी, क्लियर? ओके, पैरा आप पैरा चेंज कर लीजिए. ओके, एज हिज मदर एज हिज मदर डाइज एज हिज मदर एज हिज मदर नॉट डाइज बिकॉज वो जब उसको पैदा हुआ था तो उसकी मॉम बहुत सुंदर थी. एज हिज मदर वॉज स्टिल स्लिम स्टिल स्लिम है ना, स्लिम एंड ब्यूटीफुल, स्लिम एंड BEAUTIFUL, ओके, ब्यूटीफुल. एज हिज मदर वॉज स्टिल स्लिम एंड ब्यूटीफुल शी रीमैरिड उसने दोबारा शादी कर लिया किसके साथ, मिस्टर सी रीमैरिड मिस्टर कौन था वो, मर्डस्टोन. ठीक, उसने मिस्टर मर्डस्टोन के साथ शादी कर लिया, who later ill treated and misbehaved with his stepson David Copperfield. कहानी पकड़ में आ रही है आपको, हर बात क्लियर समझ में आ रहा है, वेरी नाइस. तो डेविड कॉपरफील्ड को क्या करता था, वो मिसबिहेव करता था और इल ट्रीट करता था, मतलब बुरा बर्ताव करता था उसके साथ, विद हिज स्टेपसन डेविड कॉपरफील्ड. ही यूज्ड टू बीट हिम, उसको मारा करता था. ही यूज्ड टू बीट हिम एंड टोल्ड हिज मदर टू पे नो अटेंशन टू हर सन. क्लियर दोस्तों? ओके, गुड. सो इसको आप एक बार लिख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा. डेविड कॉपरफील्ड इज एन इंटरेस्टिंग ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. द प्रोटागोनिस्ट इन द मेन और लीड रोल इज डेविड कॉपरफील्ड. He was born posthumously 6 months after his father's death. He was brought up by his mother Clara Copperfield and faithful nurse Peggotty. Paragraph change. As his mother was still slim and beautiful, she remarried Mr. Murdstone, who later ill-treated and misbehaved with his stepson David Copperfield. Clear? He used to beat him and told his mother to pay no attention to her son. Okay? Clear है? चलिए हम लोग आगे लिखते हैं. Good. So, हम लोग आगे लिखते हैं. Very nice. आपको कहानी पकड़ में आ गई होगी, आपने लिख लिया होगा इस चीज़ को. चलिए हम लोग आगे चलते हैं. तो उसने कहा कि उसको बेटे की तरफ कोई अटेंशन देना नहीं है. चलिए, बहुत अच्छी बात है. ओके,
He even kept David locked in a room. He even kept David locked in a room for 5 days. For 5 days. For 5 days on account of biting her. Biting, उसने दांत काट लिया था. B-I-T-I-N-G, biting him. ओके फॉर 5 days उसको किसी रूम में लॉक करके रखा. क्यों? क्योंकि उसने उसके दांत काट लिया था. क्लियर है? ओके. चलिए. ही वॉज पैरा चेंज कर सकते हैं हम लोग. ही मीन्स डेविड. डेविड वॉज सेंट, उसको भेजा गया. सेंट टू अ वर्थलेस बोर्डिंग स्कूल ऑफ लंदन, है ना? ओके. वर्थलेस बोर्डिंग स्कूल ऑफ लंदन. नेम्ड उसका नाम क्या था? नेम्ड सलेम हाउस. उसका नाम क्या था? सलेम हाउस था. रन बाई है ना, आ क्रियल. रन बाई क्रियल एन अनकाइंड फेलो नेम्ड मिस्टर क्रिकल के द्वारा वो सलेम हाउस जो था वो चलाया जा रहा था, जो बहुत ही करियल था और अनकाइंड था. ज़रा भी उसको बिल्कुल निर्दयी था. बिल्कुल उसको रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी. क्रिकल हु जो इंसल्टेड, क्या किया? इंसल्टेड डेविड वेरी फर्स्ट डे. बिल्कुल पहले ही दिन क्या किया? उसको इंसल्ट किया, बेइज्जती किया, उसकी अपमानित किया उसको. किसको? डेविड को. उसके पहले ही दिन में. ओके. टू डिमोरलाइज हिम. उसको डिमोरलाइज करने के लिए उसको क्या किया? बहुत पूरी तरह से उसकी बेइज्जती की. किसकी बेइज्जती की? सलेम हाउस में मिस्टर क्रिकल ने डेविड की बेइज्जती की. आप इसको एक बार देख लीजिए. वैसे बड़ा नहीं है चूँकि ये बहुत बड़ा नॉवेल है. इसका छोटा सा समरी हम आपको लिखा देते हैं, आप देख लीजिए इसको. ओके, गुड, वेरी नाइस. तो हम लोग चलते आगे. ओके, फर्स्ट डे टू डिमोरलाइज हिम. ओके, वेरी गुड. ओके, नाउ पैरा चेंज. एट द एज ऑफ टेन डेविड ने अपनी मम्मी को क्या कर दिया? खो दिया. वो इस दुनिया से वो चली गई, है ना? ही लेफ्ट स्कूल. कौन सा स्कूल? सलेम हाउस. उसने स्कूल छोड़ दिया. ही लेफ्ट यही है, ही लेफ्ट स्कूल. एंड वॉज फोर्स्ड उसको ज़बरदस्ती किया गया
forced by his stepfather, Mr. Murdstone, clear? And forced by his stepfather, Mr. Murdstone, to work in a wine shop, शराब की दुकान में, in a wine shop, शराब की दुकान में काम करने के लिए, for his livelihood, अपने खाने पीने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए उसको फोर्स किया गया, मजबूर किया गया कि वो किसी वाइन की दुकान में क्या करे, काम करे. क्लियर है सर? चलिए फिर आप लिखिए बीइंग डिसअपॉइंटेड, BING, बीइंग डिसअपॉइंटेड, ना बिल्कुल निराश होकर के, बीइंग डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल निराश होकर के, ही प्लान्ड, किसने प्लान किया? डेविड ने. ही प्लान्ड टू गो टू हिज ग्रैंड आंट्स हाउस. और उसकी ग्रैंड आंट कौन है? वही मिस बेट्से ट्रॉटवुड. ग्रैंड आंट्स हाउस इन डोवर, जिसका घर कहाँ था? डोवर में था. बींग डिसअपॉइंटेड ही प्लान टू गो टू हिज ग्रैंड आंट्स हाउस इन डोवर. ओके. On the way to Dover, he faced many difficulties. On the way to Dover, he faced many difficulties. क्लियर दोस्तों? अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए आप. फॉर फाइव डेज ऑन अकाउंट ऑफ बाइटिंग, biting him, डेविड वॉज सेंट टू अ वर्थलेस बोर्डिंग स्कूल ऑफ लंडन नेम्ड सलेम हाउस. क्लियर? ओके. रन बाई अ क्रियल एंड अनकाइंड फेलो नेम्ड मिस्टर क्रिकल, हु इंसल्टेड डेविड वेरी फर्स्ट डे. ओके. टू डिमोरलाइज हिम. ओके. एट द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में, डेविड लॉस्ट his mother, he left school and was forced by his stepfather Mr. Murdstone to work in a wine shop for his livelihood. अपने रोजी रोटी के लिए ना. Being disappointed, he planned to go to his grand aunt's house in Dover. On the way to Dover, he faced many difficulties. आपने लिख लिया दोस्तों? Very nice. अब हम मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए आप. Very nice. चलिए हम उसको रब करते हैं, आप इसको आगे लिखिए. चलिए दोस्तों, तो ये आप क्या क्या, वे टू डोवर फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज. ओके. मैनी डिफिकल्टीज. ही वॉज चीटेड, उसको धोखा दिया गया. चीटेड, he was cheated for his bag, उसका जो लगेज है, उसका जो बैग है, उसको लेकर कोई भाग गया, वो जो गधा वाला था, लेकर भाग गया, है ना. he even sold his jacket to quench his hunger and thirst. अपने भूख और प्यास को मिटाने के लिए उसने क्या किया, अपना जैकेट तक भी बेच दिया. क्या किया उसने? अपना जैकेट तक भी बेच दिया. ओके. एंड रीच्ड, और कहाँ पहुँचा?
आर ई एस सी एच डी रीच्ड और कहाँ पहुँचा एंड रीच्ड आंट्स रीच्ड आंट्स आंट्स हाउस ऑन फुट पैदल पहुँचा ऑन फुट ही रीच्ड आंट्स हाउट हाउस ऑन फुट ऑन फुट इन ए मेजरेबल कंडीशन इन ए मेजरेबल कंडीशन मतलब वो मेजरेबल कंडीशन में अपने काफ़ी दयनीय स्थिति में अपने आंट के घर पहुंचा. क्लियर है दोस्तों. ही वॉज चीटेड फॉर हिज बैग ही इवेंट सोल्ड हिज जैकेट फॉर क्वेंचिंग फॉर मतलब ये टू लगाइए टू क्वेंच हिज हंगर एंड थर्स्ट एंड रीच्ड आंट्स हाउस ऑन फुट इन ए मेजरेबल कंडीशन काफ़ी दयनीय स्थिति में धूल धक्कर है ना कंडीशन फिल विद लिख लीजिए फिल विद डस्ट है ना फिल विद डस्ट एंड इसको बोलते परस्पिरेशन मतलब पसीना और डस्ट से भरकर बिल्कुल वो मतलब दयनीय स्थिति में कहाँ पहुँचा अपने कहाँ पहुँचा अपने आंट के घर में पहुँच गया. क्लियर है दोस्तों. लिख लिया आपने वेरी नाइस. अब हम इसको मिटा देते हैं. गुड इसको तो आपने लिख लिया होगा. चलिए अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं. एट अब लिखिए एट आंट्स एंड आंट्स प्रोटेक्शन ही वॉज सेफ ही वॉज कंफर्टेबल ही वॉज अपने आंट की जो प्रोटेक्शन में था वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था है ना उसकी मेजरीज जो है जो उनके मतलब बुरे दिन थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे है ना. क्लियर है. ओके एट आंट्स प्रोटेक्शन ही वॉज एट नी इन लिखो इन ज़्यादा अच्छा है इन आंट्स प्रोटेक्शन ही वॉज कंफर्टेबल एंड ही सफरिंग्स एंड हिज सफरिंग्स वर माइल्स अवे उसकी जो सफरिंग्स थे बहुत दूर चले गए माइल्स अवे फ्रॉम हिम. क्लियर है दोस्तों. वेरी नाइस. चलिए अब थोड़ा हम लोग चेंज कर लेते हैं. नाउ पैरा चेंज. डेविड मेट डोरा स्पेनलो ध्यान से डेविड मेट डोरा स्पेनलो एंड इट वॉज ए लव एट फर्स्ट साइट ऐसा लगा कि वो बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट था. ठीक है. ओके ही मैरिड हर बट विद इन अ ईयर शी डाइड लेकिन बड़ी बदकिस्मती से वो एक साल के अंदर ही वो डोरा स्पेनलो थी वो क्या हो गई मर गई इस दुनिया से चली गई. लेटर डेविड मैरिड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड कौन अग्नीज विकफील्ड विक
फील्ड, ध्यान से नाम है रखना, अग्नीज चाइल्डहुड फ्रेंड अग्नीज विकफील्ड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर ही बिकेम ए नॉवलिस्ट ही बिकेम अ नॉवलिस्ट फिर वो क्या हो गया, उसके बाद शादी किया और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा और बाद में जाकर वो एक बहुत बड़ा नॉवलिस्ट हो गया। ओके, लास्ट स्टेज, लास्ट डेविड, क्लियर है, मैं एक बार पढ़ दूँ। ओके, ही चीटेड फॉर हिज बैग, ही इवन सोल्ड हिज जैकेट, आप लोग देख लीजिए इसको, जैकेट टू क्वेंच हिज हंगर एंड थर्स्ट एंड रीच्ड आंट्स हाउस ऑन फुट इन अ मिजरेबल कंडीशन। स्पेलिंग कंडीशन डी आई है ना, डी है डी आई कंडीशन। हाँ, फील्ड विद छूट गया, फील्ड विद डस्ट एंड परस्पिरेशन। इन आंट्स प्रोटेक्शन ही वॉज कम्फर्टेबल एंड हिज सफरिंग्स वर माइल्स अवे फ्रॉम हिम। अवे मैंने दो बार लिख दिया, माइल्स अवे फ्रॉम हिम, क्लियर है। डेविड मेट डोरा स्पेनलो एंड इट वॉज अ लव एट फर्स्ट साइट, ही मैरिड हर बट विद इन अ ईयर शी डाइड। लेटर डेविड मैरिड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अग्नीज विकफील्ड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ही बिकेम अ नॉवलिस्ट, देन ही बिकेम अ नॉवलिस्ट। ओके, लास्ट पॉइंट, लास्ट हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। ओके दोस्तों, यस, आप इसको देख लीजिए किस तरह से है। ओके, डेविड फाइनली हम लोग लिख रहे, डेविड इज स्लिम हैंडसम, डेविड इज अ स्लिम हैंडसम बॉय। ओके ऑफ फ्रैंक बिहेवियर, डेविड इज अ स्लिम हैंडसम बॉय ऑफ फ्रैंक बिहेवियर, हिज जेनरोसिटी मेक्स हिम विन द हार्ट्स ऑफ थाउजेंड्स, क्लियर है दोस्तों। ओके, सो दिस वॉज द समरी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। तो दोस्तों यही एक समरी थी डेविड कॉपरफील्ड की जो आपने लिख लिया, आप एक बार लिख के देखिएगा, बार बार लिख के देखिएगा तो आपको छोटा सा लगेगा, लेकिन अब हम अगले जो वीडियोस हैं उसमें हम आपको डेविड कॉपरफील्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के और उसके आंसर्स लेकर के हम आपको इसी तरह से लिखाएंगे। आप वेट करिए और इस वीडियो को देखने का और लिखने का बहुत बहुत बधाई हो आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत ही जल्दी हम लोग इसके क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, और यही नहीं 50 मार्क्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए वेट करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।